कोटा में आज सिटी पार्क का लोकार्पण, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। हमारे साथ मंत्री पी डी कल्ला जी मौजूद हैं। मंत्री जी, आज का प्रोग्राम आपने देखा है, कैसा रहा आज का कार्यक्रम कोटा में? कोटा का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। कोटा जो है पहले औद्योगिक नगरी थी, फिर शिक्षा नगरी बनी और पर्यटन नगरी बनने जा रही है। देश में और विदेश में ऐसा रिवर फ्रंट कहीं नहीं देखा। मैं भी कई विदेशों में घूम के आया हूँ, देश के कई कोनों में घूम के आया हूँ, लेकिन जो रिवर फ्रंट यहाँ पे बना है वो देश की और विदेशी संस्कृति का मिला जुला प्रतीक है। इसे देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में आएंगे और ये पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात होगा। सीएम साहब ने, लेकिन यहाँ पर कोटा शिक्षा की नगरी भी है, बड़ी संख्या में बच्चे रहते हैं, लेकिन चिंता जताई सुसाइड को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुसाइड जो है ये सोचना ही पाप है और करना महापाप है, इसलिए इसके कारणों में जाना होगा। आप यदि सुसाइड नोट देखेंगे तो उसमें कारण पता लगता है, कोई आर्थिक परिस्थितियों के कारण, कोई तनाव के कारण, कोई पर्सनल फ्रेंडशिप में जब टूट जाती है तो उसके कारण पता नहीं क्या क्या कारण है, लेकिन इसके लिए लगातार काउंसलिंग, उनका स्वस्थ मस्तिष्क कैसे रहे और पढ़ाई का टेंशन नहीं रहे, घरवालों का भी दबाव नहीं रहे, तो घरवालों की काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग, टीचिंग इंस्टीट्यूशन की काउंसलिंग, इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आई पावर कमेटी बनाई है। उसकी रिकमेंडेशन जो आएगी उसको सख्ती से लागू करेंगे और मैं समझता हूँ उससे काफ़ी कमी आएगी। और कल्ला साहब, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं? वो जगह जगह पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा मेले बकरियों पर जा रही है और मैं समझता हूँ, मेरे मुँह से नहीं कहना चाहिए, वो तो आप जनता ही बताएगी कि इस तरीके से 5 साल में किसी भी तरीके से उन्होंने विधानसभा में परफॉर्म नहीं किया। अब नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, नॉन इशू को इशू बनने नहीं देंगे हम। 10 गारंटियां जो मुख्यमंत्री जी ने दी है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कुओं को बिजली फ्री, इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपये की पेंशन, 15% की वृद्धि, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जाँच फ्री, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये का, अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूं मिलता था, अब दाल, चीनी, तेल और मिर्च मसाले ये सब फ्री मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, मनरेगा और जो इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोजगार, जिनके पास 2 गाय या 2 भैंस है उनको जो है 40-40 हज़ार का निःशुल्क बीमा, ये जो 10 गारंटी योजनाएँ हैं, ये योजनाएं निश्चित रूप से आम आदमी को राहत देने वाली, उनके घरेलू बजट में बचत करने वाली, इससे बीजेपी हिल गई है और बीजेपी नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रही है। जनता अब समझ गई है, एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। उन्होंने कहा था किसान की इनकम दुगनी करेंगे, नहीं हुई। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नहीं मिला। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं मिला। महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी बढ़ गई। इस कारण से एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में और आपने देखा होगा कि कर्नाटका में, वहाँ पे कांग्रेस की सरकारें बनी, वो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त भारत हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस भारी मेजोरिटी से जीत कर आएगी। यह है मंत्री पी डी कल्ला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी मतों से इस बार जीत कर आएगी। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राजस्थान चौक के लिए भरत राज।